मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के पायदुनी एरिया में, जहाँ पर एनसीपी पार्टी का कार्यालय है। उपाध्यक्ष काशिफ शाह का आज उन्होंने जो है नवाब मलिक साहब की गिरफ्तारी को लेकर के एक प्रोटेस्ट किया, जिसमें उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये कहा है कि जब तक उनके ऊपर से ये मामला हटाया नहीं जाएगा, हमारा ये जो प्रोटेस्ट है वो ऐसा ही जारी रहेगा। फिलहाल इन सारे मुद्दों पे हमने उपाध्यक्ष काशिफ शाह से बात किया है, उनका क्या कहना है सुनिए। काशिफ भाई, आज ये प्रोटेस्ट रखा गया है तो क्या कहना चाहेंगे बीजेपी सरकार को और आपकी क्या मांगे? हमारी ये मांगे कि भारतीय जनता पार्टी जो कावड़ पना करके नवाब मलिक साहब को फंसाया जा रहा है, आप लोगों ने देखा कि पिछले 2-3-4 महीने से नवाब मलिक साहब ने उनको एक्सपोज करा है कि कैसा उन्होंने ड्रग्स का कारोबार गुजरात से लेके यहाँ तक चल रहा था, उस हिसाब से उन्होंने पूरा एक्सपोज किया। तो उसका बदला लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा कि उनकी पोल खुल रही है, तो उन्होंने झूठे आरोप के तहत 1998 में कुछ केस था उसके तहत उनको अरेस्ट करने का काम किया। इसके पहले क्यों नहीं करा गया या अभी क्यों इस सब बातों को उठाया जा रहा है? इसलिए उठाया जा रहा है, ड्रग्स का कारोबार जब से शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट किया गया, जब से उनकी कारोबार का मालूम पड़ा, आपने देखा होगा जब नवाब मलिक साहब के दामाद को अरेस्ट किया था, जब भी नवाब मलिक साहब ने कोई आरोप नहीं लगाया था कि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें होगी, लेकिन जब शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट किया तो उसमें मालूम पड़ा हाँ ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ काला कांडी है, पैसों की वसूली कर रहा है समीर वानखेड़े। उसके हिसाब से बीजेपी अब क्लियर हो चुकी है कि हाँ वो ड्रग्स वालों के साथ है। सर, जिस तरह से तीनों महाआघाड़ी सरकार ने जो है प्रोटेस्ट करने के लिए कहा था, लेकिन देखा जा रहा है कि ज़्यादातर स्टेट में जो है एनसीपी ही प्रोटेस्ट कर रही है, बाकी की जो महाआघाड़ी सरकार है वो क्यों नहीं कर रही है? नहीं, आप देख सकते हैं कि खुला तौर पे कि इस्तीफा नहीं लिया गया, उद्धव ठाकरे साहब ने पूरा समर्थन दिया है और आदरणीय बाला साहब थोराट अशोक चौहान हुतात्मा चौक पे एक आंदोलन रखा गया था परसों के दिन, पूरी महा विकास अघाड़ी के पूरा कैबिनेट मंत्रिमंडल था। काशिफ भाई, नवाब मलिक साहब के इस्तीफे की मांग करते हुए बीजेपी ने हंगामा किया, बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया और हम देख रहे हैं कि एनसीपी के सारे सीनियर लीडर, महा विकास अघाड़ी के लीडर गांधी प्रतिमा के पास जमा हुए मंत्रालय में, लेकिन क्या है ये? एक तरफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ है, दूसरी तरफ बीजेपी बोल रही है बड़ी निदादिली से कि उनको हटाओ, तो क्या जवाब देंगे, क्या किस तरह कब तक चलता रहेगा? देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों से उनकी बहुत बड़ी पोल खुल रही है, उस पोल खुलने की वजह से उन्होंने ये कार्रवाई करी है और उनके इस्तीफे की जहाँ तक मांगे तो पार्टी ने साफ तौर पे कहा है कि इस्तीफा नहीं होगा। वो हमें डराना चाहते हैं लेकिन हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, जीतेंगे और बार बार इनको एक्सपोज करेंगे। आपका क्या कहना चाहिए कि षड्यंत्र है? बिल्कुल षड्यंत्र क्लियर। आप देखिए, 2 महीने से वो कह रहे हैं हमारे घर मेहमान आने वाले, ट्विटर पर आप देखा होगा, मीडिया ने भी कवर किया उसको, मेरे घर मेहमान आने वाले, मतलब उनको 1.5 महीने से पता था ऐसा होने वाला है। दाऊद से भी उनका जो है कनेक्शन बताया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हर मुसलमान नेता का दाऊद से कनेक्शन बताते हैं जी, उन पे जो कार्रवाई, आप दाऊद को लाते क्यों नहीं है, मैं तो ये सवाल पूछना चाहूँगा। 25 साल हो गए। उनका कहना है कि वो एक्टिवली वो इन्वॉल्व थे फंडिंग में, टेरर फंडिंग में। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। 98 से आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आपकी 7 साल सरकार है, आप 7 साल से कार्रवाई करते, पिछले 5 साल महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी जब आप कार्रवाई करते, अभी ये एक तहत आपको महाराष्ट्र, झारखंड और वेस्ट बंगाल की सरकार गिराना है, आपको MLA खरीदना है, खरीदे नहीं जा रहा है। काशी भाई, ED की भूमिका को आप किस तरह देखते हैं इसमें? क्या आपको लगता है ये मुनासिब कार्रवाई हो रही है? क्योंकि देख रहे हैं कि सारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सारे कानून है, सारी संस्थाएं, हम देख रहे हैं कि सिर्फ और ऑपोजिशन पे इस्तेमाल हो रही है, तो और इसको लेकर ममता बनर्जी ने भी एक बात कही थी शरद पवार साहब को कि इसके लिए विपक्षी एकता की ज़रूरत है, तो विपक्षी एकता कब बनेगी, क्या मैसेज देंगे इसका? बिल्कुल, आप विपक्षी एकता देख सकते हैं, विपक्षी एकता ऑलरेडी है। अखिलेश यादव ने स्टेज पे से नवाब मलिक साहब का नाम लिया, ममता बनर्जी ने पवार साहब को फ़ोन किया, KCR ने फ़ोन किया, आप ये सकते हैं एकजुटता तो ज़रूर है। अब इस वक्त पवार साहब का पूरा समर्थन है, हर मुस्लिम MLA और मिनिस्टर को दाऊद इब्राहिम से नहीं जोड़ा जा सकता। आशिफ भाई, जैसा कि यूपी में जो इलेक्शन में है और अघाड़ी सरकार ने भी दावा की थी कि यूपी के इलेक्शन को लेकर वहाँ पे कैंपेनिंग की जाएगी, उस कैंपेनिंग को देखते हुए तो ये माहौल नहीं बनाया गया है? बिल्कुल, ये माहौल बना गया है। आप देख सकते हैं नवाब मलिक साहब उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, एक्चुअली में उनका ये मकसद है कि जो अपोजिशन है उसको डराया कैसे जाए, तो वो डराने के लिए दिखा रहे कि अगर यूपी में आप लोग हमारे खिलाफ जाएंगे तो हम आपको भी ऐसी जेल में डाल देंगे, हमें कैबिनेट मंत्री को जेल में डाल सकते हैं। अजीत भाई, मेरा एक सवाल है कि शरद पवार साहब का क्या कहना है इस बारे में?
इस बारे में आप पवार साहब का कहना है कि हम पूरी तरह से नवाब मलिक साहब के साथ खड़े और अभी से नहीं पिछले 6 महीने से आप उनके साथ ही खड़े हैं। क्या कहना है, वो बेगुनाह है? बिल्कुल बेगुनाह है, वो तो झूठा केस है। आपको तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस देख सकते हैं, हंसी देख सकते हैं। आप कार्रवाई करनी है तो जैसे कि वॉशिंग मशीन में कपड़ा अपन चले जाता है, प्रसाद लाड पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, गिरीश सुमैया पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, चित्रा वाघ पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सबने भी तो घोटाला किया। पहले आप उनके घोटाले निकालते थे ना। अगर ये नहीं होता है, मान लीजिए इसके ऊपर किसी तरह की सुनवाई नहीं होती है, तो आने वाले दिनों में आपकी महाअघाड़ी सरकार किस तरह का कदम उठाएगी? हमें कानून पे पूरा भरोसा है, न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि वो अपना फैसला जरूर सुनाएगी और हक में सुनाएगी, जहाँ तक के सच्चा और झूठा सब मालूम पड़े। मुस्लिम नेता की बात कही आपने, हम देख रहे हैं कि यूपी में आजम खान का आपने हाल देखा होगा, सालों उन्होंने सेक्युलर पार्टीज का साथ दिया, अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने उसके लगा दी, लेकिन आप देख रहे हैं कि आज उनको किस तरह से किनारे कर दिया गया, नाम तक नहीं लिया जाता स्टेजों से, तो ऐसा तो नहीं है कि नवाब मलिक साहब का भी वही हाल हो जाए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप आजम खान का कह रहे हैं तो अब्दुल्ला को टिकट दी गई है, अब्दुल्ला के साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं अखिलेश यादव, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं, आजम खान के लिए 4 बार हॉस्पिटल में मिल के आए, जेल में सहायता कर रहे हैं। अब ये मैं यही तो कह रहा हूँ कि इन लोगों ने यही करके कि झूठे आरोप लगा के बकरी चोर भूख चोर, आपको लगता है आजम खान बकरी चोर थे, भूख चोर थे, तो उनको अरेस्ट करके लेकर गया, वैसे ही ये भी आरोप सारे गलत हैं। शरद पवार साहब अपने सीएम उदय ठाकुर साहब से भी मिल के आए हैं, उनसे क्या बातचीत हुई? बातचीत यही हुई है कि कैबिनेट मंत्रालय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उन्होंने सारे लोगों ने मीटिंग करी और मीटिंग में यही हुआ कि हम पूरी तरह से नवाब मलिक साहब के साथ खड़े, पूरी महाविकास अघाड़ी नवाब मलिक साहब के साथ खड़े। क्या रिजल्ट निकलेगा अभी इसका? बिल्कुल रिजल्ट यही निकलेगा, आप देखेंगे न्यायालय उसको बेगुनाह साबित करेगा 3 तारीख को। Okay.